आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे सीरीज के पहले T20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर में 158 रनों का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रखा। गौरतलब है कि बारिश की वजह से 20 ओवर के मैच को घटाकर 17 ओवर का कर दिया गया। टॉस जीतने के बावजूद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने फील्डिंग के दौरान ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के समक्ष बड़ा स्कोर बनाने में सफल हुई। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती चारों ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मात्र 24 रन दिए, लेकिन अगले 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 70 रन का स्कोर बना चुकी थी। इसके अलावा आज भारतीय गेंदबाजों की फील्डिंग भी काफी साधारण रही। कप्तान विराट कोहली ने एरोन फिंच और खलील अहमद ने ग्लेन मैक्सवेल का कैच छोड़ा। टीम में बतौर ऑलराउंडर खेल रहे कृणाल पांड्या से विराट कोहली ने पूरे 4 ओवर करवाए। इस दौरान कृणाल पांड्या सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। पांड्या ने अपने 4 ओवर में 13.8 इकोनॉमी से 55 रन लुटा दिए। कृणाल पांड्या के अलावा खलील अहमद भी काफी महंगे साबित हुए। खलील अहमद के 1 ओवर में क्रिस लिन ने 3 छक्के जड़े, इस तरह उन्होंने 3 ओवर में 1 विकेट लेकर 42 रन दिए।